तो दोस्तों ये हमारी बन रही है प्याज की पकौड़ी। उसके बाद हम बनाएंगे पालक की पकौड़ी। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ चटनी। उसके लिए मैंने लिया है ये रेड मिर्च, लहसुन और ये टमाटर, और इसमें हमने डाला है धनिया, और इधर हमारा है पुदीना। तो पुदीना हमने इसको सुखाया था, तो इसमें हम डाल देते हैं, फिर हम चटनी बनाते हैं। पुदीना भी डाल देती हूँ क्योंकि पुदीना डालने से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है चटनी। और डाल देती हूँ साल्ट। तो दोस्तों हमारी चटनी बनके रेडी हो चुकी है। अब हम बनाएंगे प्याज के पकौड़े। तो दोस्तों प्याज के पकौड़े बनाने के लिए हमने सबसे पहले प्याज को कटिंग कर लिया। ये मैंने ग्रीन मिर्च भी कटिंग कर लिया है, और इधर हमने लिया है चावल का आटा, एक बाउल ही लिया है, और इधर हमारा साल्ट है, ज़ीरा, और ये है हमारा बेसन। और मैं कुछ पकौड़े बनाऊँगी इसकी। तो और मैंने पालक भी काटिंग कर लिया क्योंकि ताज़ी पालक थी तो मैं ले ली खेत की, तो इसकी भी पकौड़ी बनाऊंगी। और इधर हमने हरी धनिया की कटिंग कर लिया है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। और जानू बोला है कि आज मशरूम का भी पकौड़ा बनाओ, तो दोस्तों फर्स्ट बार मशरूम का भी पकौड़ा बनाती हूँ। वैसे तो मैंने कभी बनाया नहीं है, बस ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसे बनते हैं। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि मैं किस तरीके से मशरूम का भी पकौड़ा बनाऊँगी, तो आपको दिखाने की कोशिश करूँगी कैसे बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। और हमने ऑयल लिया है, ये सरसों का ऑयल है क्योंकि सरसों का ऑयल शुद्ध होता है, तो ये खाना चाहिए दोस्तों। तो चलिए पहले हम इसका पालक का पकौड़ा को मिक्सर बना लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं मशरूम का ही मिश्रण बना लेती हूँ, मशरूम को मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद पालक का बनाऊँगी। तो तीन मेल की मैं पकौड़े बनाने जा रही हूँ, तीन तरीके की पकौड़ी। तो ये हो गया हमारा मशरूम के पकौड़े बनाने के लिए। तो इसमें हम डाल देंगे मशरूम, और फिर डाल देंगे साल्ट, साल्ट डाल दिया, हल्का सा ज़ीरा, हल्का सा ज़ीरा, और हल्का सा चावल का आटा। इसमें डाल देंगे हल्का सा धनिया की पत्ती, और इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च, हरी मिर्च। उसके बाद इसको हम मिक्स कर लेते हैं। हमने हल्की सी हल्दी भी डाल दी क्योंकि हल्दी तो खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, तो हल्दी भी हमने डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। जानू जैसे लग रहा मीट है यार, क्या बनवा दिया आपने मुझसे, मीट बनवा दिया। जो हमारी पालक है इसको भी अच्छे से फेंट ले रहे हैं, ऐसे करके ऐसे ऐसे फेंटना है काफ़ी देर तक, और हल्का हल्का पानी डाल। दोस्तों अब मैं प्याज के पकोड़े के लिए बनाने जा रही हूँ मिश्रण। देखिए तो इसको मैं अच्छे से फिट कर लूँगी। हाँ आंटी। तो दोस्तों आंटी को भी मैं प्याज के पकोड़े आज उनको खिलाऊंगी, इसलिए आंटी पूछ रही कितनी देर लगेगी। मैं फटाफट करती हूँ दोस्तों, टाइम लगता है ना बनाने में, थोड़ा टाइम। हमारा चावल का आटा इसको मिलाने से क्या होता जानते हैं, जो हमारे पकौड़े होते हैं ना वो कुरकुरे हो जाते हैं। मैं डालूंगी एक स्पून साल्ट और एक स्पून हल्दी, डाल देती हूँ इसमें जीरा और ये हरी धनिया जो हमने कटिंग करके रखी है। हल्का हल्का पानी डाल के इसको फेटेंगे।
तो दोस्तों ये है हमारी प्याज की पकौड़ी बनाने का मिश्रण, और इधर है पालक का और इधर है मशरूम। तो सारा हमने फेंट के रख लिया है, थोड़ी 10 मिनट के लिए रख देंगे। रुक जाओ, तो दोस्तों ये हमारी बन रही है प्याज की पकौड़ी। उसके बाद हम बनाएंगे पालक की पकौड़ी। तो अभी हम प्याज की बना लेते हैं, उसके बाद पालक की बनाते हैं। तो दोस्तों ये हमारी पालक की पकौड़ी और प्याज की पकौड़ी बन चुकी हैं। तो मैं आंटी को पहले दे के आती हूँ, उसके बाद फिर जानू को देती हूँ। तो दोस्तों इधर हमारा है ये पालक के पकौड़े, और इधर प्याज के हैं, और इधर चटनी है। तो आंटी को हमने दे दिया खाने के लिए, अब मैं देती हूँ जानू को खाने के लिए, क्योंकि अभी मैंने जानू को नहीं दिया। तो जानू लीजिए, करिए नाश्ता। थैंक यू, इतना ढेर सारा नाश्ता मिल गया। वेलकम जानू, खा लीजिए, बताना कैसा। तो दोस्तों सबसे लास्ट में मैं बना रही हूँ मशरूम की पकौड़ी, क्योंकि ये थोड़ा सा चिटचिटा रहा है, आपको आवाज़ मिल रही होगी, तो इसको मैं सबसे लास्ट में बना रही हूँ। लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। थोड़ा सा मैंने बनाया था तो भगवान जी को भोग लगा जैसा, क्योंकि तो इसमें लहसुन और प्याज नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान जी को भोग लगाने के लिए लहसुन प्याज नहीं डाला जाता। तो जो भी मैं बनाती हूँ तो पहले भगवान जी को भोग लगाती हूँ, राधिकेश को, उसके बाद ही मैं खाती हूँ। तो दोस्तों ये मशरूम का पकौड़ा निकालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना है। तो दोस्तों फाइनली हमारे पकौड़े बन के रेडी हो गए, सारे पकौड़े बन गए थे, बट ये मशरूम वाला नहीं बना था, तो ये अभी मैंने बनाया है, लास्ट में ही हमने इसको बनाया। तो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बना, ये भी आप देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है। और ये हमारे पालक के पकौड़े हैं, और इधर हमारा प्याज का, और हमारी चटनी है। इधर हमने चाय रखी हुई है, दो चाय जाने के लिए और अपने लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप इस तरह से सर्दी में पकौड़े बना के खाइए, बहुत ही अच्छा।